हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिटरमाइनिंग ओपनिंग कैपिटल। ठीक है दोस्तों, ये ओपनिंग कैपिटल डिटरमाइन करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें ओपनिंग कैपिटल के बेस पे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए किसका बैलेंस, ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस। गाइस, हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। गाइज, मेरा चैनल है एक्सेस टू कॉमर्स और साथ ही साथ मेरा एप्लीकेशन है ए टू सी। ये एप्लीकेशन का नाम है ए टू सी। आपको इस एप्लीकेशन पे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ और एंटरप्रेन्योरशिप, इन चारों ही सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, सारे वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सैम्पल पेपर्स, ये सब आपको मिलेंगे मेरे एप्लीकेशन पे ए टू सी पर। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो साथ ही साथ अगर अकाउंट्स में देखें हम लोग, तो अकाउंट्स में आपको टीएस ग्रेवाल के सारे अनसॉल्व क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मिलेंगे। ये जो अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, अनसॉल्व क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में और साथ ही साथ वीडियो लेक्चर फॉर्म में। वीडियो लेक्चर भी मिलेगा हर एक सॉल्यूशन का और हर एक सॉल्यूशन का आपको पीडीएफ भी मिलेगा। दिस इज जस्ट फॉर द नॉमिनल प्राइस ऑफ 5,000 फॉर 12th क्लास। सारे ही सब्जेक्ट्स ओनली फॉर ₹5,000 एंड फॉर 11th इट इज 4,500। सो लेट्स स्टार्ट योर जर्नी विद दिस ऑल द फैसिलिटीज। थैंक यू। देखो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है ओपनिंग कैपिटल को कैसे डिटरमाइन करें। वाई टू डिटरमाइन ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल इज डिटरमाइंड टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पता लगाना है, ठीक है, कि हमें कितना पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल व्हेन नो कैपिटल इज विड्रॉन एंड इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। अब ओपनिंग कैपिटल की इंपॉर्टेंस कहाँ बनती है, देखो सपोज मान लीजिए ओपनिंग कैपिटल है 2 लाख और पूरे साल में ना तो किसी पार्टनर ने नई कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, ऐड करी, और न ही कुछ कैपिटल विड्रॉ करी, कुछ भी नहीं किया, नॉट विड्रॉन, नहीं कोई कैपिटल विड्रॉ करी। तो इसका मतलब ना कोई कैपिटल ऐड हो रही है और ना कोई कैपिटल विड्रॉ हो रही है। तो इसका मतलब अगर क्लोजिंग कैपिटल भी इसका मतलब 2 लाख ही होने वाली है। तो इट मींस इफ यू हैव अ फिगर ऑफ 2 लाख ऑफ ओपनिंग कैपिटल देन यू विल हैव अ क्लोजिंग कैपिटल ऑफ सेम अमाउंट एंड फॉर द होल ईयर यू विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट ₹2 लाख। 2 लाख के ऊपर पूरा आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे। सो दैट्स वाई वी आर फाइंडिंग ओपनिंग कैपिटल। अब देखो अभी हमारे पास ओपनिंग कैपिटल को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। इफ यू हैव अ फिक्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम, अगर आपके पास सॉरी फिक्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम है तो ओपनिंग कैपिटल कैसे डिटरमाइन करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है हमें, क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। हम क्या करेंगे, जो भी कैपिटल विड्रॉ करी उस कैपिटल को वापस से ऐड कर देंगे क्लोजिंग कैपिटल के फिगर में, और जो एडिशनल कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस करी थी उस एडिशनल कैपिटल को हम वापस से माइनस कर देंगे। इससे हमारे पास ओपनिंग कैपिटल का फिगर आ जाएगा एंड दिस फिगर विल बी यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ आईयूसी। इससे हम आईयूसी कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट केस इन विच कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड, सो बाय दिस वी कैन कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। नाउ इन द सेकेंड सिनेरियो इफ यू हैव फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है आपके पास, उसमें भी आपको क्लोजिंग कैपिटल का फिगर दे रखा है। वॉट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू एड द विड्रॉल ऑफ कैपिटल, अगर कुछ कैपिटल विड्रॉ करी वो भी ऐड करो। इफ देर इज ड्रॉइंग्स फ्रॉम प्रॉफिट, देखो कैपिटल से पैसा विड्रॉ किया या प्रॉफिट से पैसा विड्रॉ किया, दोनों को ऐड कर दो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर आपने चार्ज किया था तो उसके भी वापस ऐड कर दो। शेयर ऑफ लॉस, अगर लॉस कुछ आया बिजनेस में और उस लॉस को हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था तो उसे भी ऐड कर दो, शेयर ऑफ लॉस विल बी एडेड। उसी तरह से शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी डिडक्टेड, यहाँ पे हमने डिडक्ट कर रखा है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, इसको भी माइनस कर दो। पहले एडिशनल कैपिटल हमने क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए ऐड की थी बट हम ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए उसको वापस लेस कर देंगे। पार्टनर्स रेमुनरेशन और सैलरी, हमने पार्टनर को भी सैलरी या रेमुनरेशन पे किया तो वो लेस कर दो, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है तो उसको लेस कर दो। ठीक है, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं गया होगा बट ठीक है, अगर मान लो कोई
क्वेश्चन में गलत कैलकुलेट किया गया और आपको दे दिया, तो यू कैन डू दैट, ठीक है। तो इससे हमको मिल जाएगा कैपिटल एट द बिगनिंग, दिस विल बी द ओपनिंग कैपिटल, एंड बाय दिस ओपनिंग कैपिटल यू कैन कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द होल ईयर। सो दिस इज फॉर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, व्हेन द कैपिटल अकाउंट्स आर बेसिकली फ्लक्चुएटिंग। नाउ अब एक क्वेश्चन करते हैं हम छोटा सा, कि हम ओपनिंग कैपिटल कैसे डिटरमाइन करते हैं। एक्स इज अ पार्टनर इन एक्स एंड वाई एंटरप्राइज, हिज क्लोजिंग कैपिटल एट द ईयर एंड वॉज ₹7 लाख। डिटरमाइन द ओपनिंग कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ड्रॉइंग्स ऑफ एक्स अमाउंटेड टू ₹75,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स अमाउंटेड टू 15,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पे कर चुके हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स अमाउंटेड टू 7,500। शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स अमाउंटेड टू 1 लाख। देखो ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हमें क्या करना है, वी हैव टू डिटरमाइन द ओपनिंग कैपिटल। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले वी हैव अ फिगर ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ एक्स, एक्स का क्लोजिंग कैपिटल है हमारे पास, दैट इज 7 लाख इज गिवन, नेट अमाउंट 7 लाख इज गिवन। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो कैपिटल का विड्रॉल है, ठीक है, हमें वो दे रखा है, ड्रॉइंग से हमें 75,000 दे रखी है, तो हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स को ऐड कर देंगे, ऐड ड्रॉइंग्स बाय एक्स, ड्रॉइंग्स बाय एक्स, ड्रॉइंग्स को वापस ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऐड 75,000, ठीक है, डिटेल कॉलम में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट, जो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किया था पार्टनर से, वो भी वापस ऐड कर देंगे, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज फ्रॉम द बैलेंस ऑफ कैपिटल ओनली। सो वॉट विल डू इज दैट वी विल ऐड द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को वापस ऐड कर दिया जाएगा सिंपल वे में, दैट अमाउंटेड टू 7,500। तो वॉट विल डू इज दैट वी विल एड बोथ दिस फिगर्स, एंड दिस फिगर्स आर अगेन एडेड बैक टू पार्टनर्स क्लोजिंग कैपिटल, सो इट विल बी 75,000 and 7,82,500। वी विल एड द फिगर ऑफ 82,500। अब जो फिगर लेस करने का वो है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे लेस कर देंगे, लेस IUC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज प्रीवियसली गिवन, इट वॉज क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वी विल डिडक्ट IUC माइनस 15,000। देन शेयर ऑफ प्रॉफिट, लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट ये भी हमने दिया था पार्टनर को, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट को भी डिडक्ट कर देंगे, इट अमाउंटेड टू 1 लाख। सो वॉट विल डू, वी विल डिडक्ट 1 लाख, तो इट विल कम 1,15,000, ये हमने माइनस कर दिया। नाउ अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, सो इट कम्स 7,82,500, 7,82,500 माइनस 1,15,000, सो इट कम्स 6,67,500। सो दिस इज द कैपिटल इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, दैट इज 6,67,500। तो ये आ गई दोस्तों हमारे पास ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सी एंड डी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस एंड देयर कैपिटल्स एट द एंड ऑफ द ईयर वर ₹7 लाख and ₹6 लाख रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट देयर ओपनिंग कैपिटल। हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। ड्रॉइंग्स ऑफ सी एंड डी फॉर द ईयर वर 75,000 एंड ₹50,000 रेस्पेक्टिवली। डी इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹1 लाख ड्यूरिंग द ईयर, डी ने इंट्रोड्यूस करी एक्स्ट्रा कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ सी एंड डी वर 15,000 and 10,000 रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अमाउंटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ सी एंड डी वर 7,500 and 5,000 रेस्पेक्टिवली। शेयर ऑफ लॉस डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर वॉज 20,000। ये हमने सारे एडजस्टमेंट्स कर रखे। अब हमें क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल निकालनी। सो वॉट वी विल डू इज दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, सो क्लोजिंग कैपिटल्स आर
7 लाख एंड 6 लाख, ये क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है हमें पार्टनर्स की। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा फिगर है ड्राइंग्स का, तो ड्राइंग्स को हम लोग क्या करेंगे, वापस से ऐड कर देंगे। पहले हमने ड्राइंग्स को माइनस किया था, नाउ वी विल ऐड ड्राइंग्स। सो वी विल ऐड फर्स्ट फिगर, दैट इज ड्राइंग्स ऑफ सी एंड डी, ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स, ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स। ड्राइंग्स अमाउंटेड टू 75,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली, तो ये दोनों फिगर ऐड हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज डी इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल अगर है तो उसे हम लेस कर देंगे। ठीक, सो हमें काम करते हैं, लेस वाले फिगर्स नीचे लिख देते हैं, लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। सो एडिशनल कैपिटल अमाउंटेड टू 1 लाख। ठीक है, तो डी ने अगर किया तो डी के उसमें से हम 1 लाख रुपीज माइनस कर देंगे, माइनस कर दिया 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर 15,000 एंड 10,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ने क्रेडिट किया उसे भी वापस लेस कर देंगे, लेस आईओसी क्रेडिटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स आर 15,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली, सो इट कम्स 15,000 इसे भी माइनस कर देंगे एंड इट कम्स 10,000 इसे भी माइनस कर देंगे। नाउ नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट 7,500 एंड 5,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमने चार्ज किया था पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में से, हम वापस से ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, 7,500 अगेन ऐड हो जाएगा एंड देन 5,000 अगेन ऐड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज शेयर ऑफ लॉस डेबिटेड टू ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर को हमने लॉस दिया था, जो लॉस का अमाउंट था पहले हमने माइनस किया था, अब वो शेयर ऑफ लॉस वापस ऐड हो जाएगा, तो ऐड शेयर ऑफ लॉस, इट कम्स 20,000 फॉर सी एंड 20,000 फॉर डी। ये हमारी कैलकुलेशन हमने कर दी, सारे अमाउंट्स डाल दिए हमने। दिस इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, तो अगेन यू विल हैव अ डिफरेंट बैलेंस फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस बिकॉज दिस इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। सो 7,75,000 प्लस 7,500 प्लस 20,000 माइनस 15,000, सो इन द केस ऑफ सी यू आर गेटिंग द बैलेंस ऑफ 7,87,500, दिस इज फॉर सी। नाउ इफ यू गो फॉर डी, 6,50,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 माइनस 1,10,000, सो इट कम्स 5,65,000। दीज आर द ओपनिंग बैलेंसेज ऑफ बोथ द पार्टनर्स, इन दोनों की ये ओपनिंग बैलेंसेज है। आगे देखते हैं हम लोग, देखो देयर इज अगेन अनदर क्वेश्चन, वाई एंड जी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल कैपिटल इज गिवन, ओपनिंग कैपिटल इज गिवन 2,50,000 एंड 1,50,000 रेस्पेक्टिवली, दे शेयर प्रॉफिट्स इक्वली ऑन 1 जुलाई 2023। दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 2 लाख ईच, दोनों की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 2 लाख। नाउ द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल अकाउंट्स वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग एंड विड्रॉइंग द कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम इज अलाउड। सो गाइज, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम इज अलाउड। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बोथ द पार्टनर्स ऑन 31 मार्च। देखो हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर वाई, वाई हमारा एक पार्टनर, उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 अप्रैल को ओपनिंग कैपिटल थी 23, 1 अप्रैल द ओपनिंग कैपिटल इज 2,50,000 फॉर वाई। और ये कैपिटल 1 जुलाई से चेंज हुई, तो अप्रैल मई जून
हम 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 8% पर एनम हमारा रेट है, और फॉर 3 मंथ्स वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन 2,50,000। सो 2,50,000 इंटू 8% इंटू 3/12, दैट इज 5,000। नो, अब 1 जुलाई से जो कैपिटल चेंज किया हमने, 1 जुलाई से कैपिटल हो गया 2 लाख, क्योंकि दोनों पार्टनर से हमने कैपिटल एडजस्टमेंट किया, तो 1 जुलाई से कैपिटल हो गया 2 लाख। सो नाउ फ्रॉम 1 जुलाई वी विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% फॉर 9 मंथ्स, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सो फॉर 2 लाख इंटू 8% इंटू 9/12, इट कम्स 12,000। सो द टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर वाई कम्स 17,000। ये हो गया वाई के लिए फिगर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें जी के देखना है, जी का फिगर। ऑन 1 अप्रैल 2023 द कैपिटल ऑफ जी अमाउंटेड टू, ओपनिंग कैपिटल इज 1,50,000। फॉर 1,50,000 यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स इंटू 8/100 इंटू, फॉर 3 मंथ्स यू हैव टू कैलकुलेट, सो इट कम्स 1,50,000 इंटू 8% इंटू 3/12, इट कम्स 3,000 फॉर 3 मंथ्स। एंड फॉर 2 लाख इट विल बी सेम फ्रॉम 1 जुलाई फॉर दिस पार्टनर ऑल्सो, नेक्स्ट इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन 2 लाख, तो 2 लैक्स इंटू 8/100 इंटू 9/12, सो इट विल ऑल्सो कम 12,000 फॉर जी ऑल्सो। सो द टोटल इंटरेस्ट कम्स टू 15,000 फॉर जी, ठीक है दोस्तों। दिस इज द वे वी कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन द ओपनिंग कैपिटल। व्हेन द कैपिटल विल चेंज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन विल ऑल्सो चेंज। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले ओपनिंग था 2,50,000, तो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट स्टार्ट किया 2,50,000 पे। जब इंटरेस्ट ऑन जब कैपिटल का बैलेंस चेंज हुआ, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी चेंज कर दिया। सो हमने फिर कैलकुलेट किया जुलाई से 2 लाख पे, पूरे जुलाई से लेकर 31 मार्च, मतलब 9 मंथ्स का हमने कैलकुलेट किया 2 लाख पे। सो गाइज, दिस वॉज द क्वेश्चन फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम द ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस। तो गाइज, इस वजह से हम लोग ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं, और आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे हमारे पास जिनमें हम ओपनिंग कैपिटल्स को कैलकुलेट करेंगे। आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। गुड बाय, थैंक यू।